देखें, ग्रुप ऑफ कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास तीन तरह के ग्रुप्स हैं। एक है 51% ग्रुप, एक है 75% लॉस रिलीफ ग्रुप, और एक है 75% कैपिटल गेन ग्रुप या चार्जेबल गेन ग्रुप। ठीक है, ये तो चार्जेबल गेन वाले टॉपिक के साथ हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो है ये बेसिकली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है 51% ग्रुप, लेकिन इसकी जो भी कंडीशंस हैं, और ये लॉस रिलीफ के साथ कनेक्टेड है। जो हम लास्ट टाइम लॉस का पार्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, ये उसके साथ कनेक्टेड। लेकिन मैं ये जो दो ग्रुप्स हैं, 51% ग्रुप, 75% ग्रुप, ये दोनों आज इंशाल्लाह कवर करवा दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 51% ग्रुप। देखिए, हमने ये कहा था कि जो कंपनी होती है वो दो तरह की होती है। एक कंपनी वो होती है जिसे हम लार्ज कंपनी क्लासिफाई करते हैं, और एक कंपनी वो होती है जिसे हम स्मॉल कंपनी क्लासिफाई करते हैं। ये क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि टैक्स रेट तो दोनों का सेम होता है, लेकिन लार्ज कंपनी जो होती है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे टैक्स पे करती है। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होती हैं, कैसे फाइंड आउट की जाती हैं, और ये वन टाइम टैक्स पे करती हैं, विच इज 9 मंथ एंड 1 डे, यानी कि 9 महीने 1 दिन के बाद पे करती हैं। और जो ऊपर वाली है वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के अंदर टैक्स पे करती है। एक सेकेंड सबर। अच्छा जी, अब देखिए होता ही है कि अगर किसी भी कंपनी का ऑगमेंटेड प्रॉफिट, वन पॉइंट फाइव मिलियन से एक्सीड करता है, वन पॉइंट फाइव मिलियन, देन कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज कंपनी, और उसे इंस्टॉलमेंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो प्रॉफिट थ्रेशोल्ड है, ये प्रॉफिट थ्रेशोल्ड आपको गिवन होगा एग्जाम में, ये प्रॉफिट थ्रेशोल्ड जो कि 1.5 मिलियन है, ये प्रॉफिट थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। इट इज सब्जेक्ट टू नंबर ऑफ ग्रुप कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि दो चीजों से ये कम होता है, एक शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड से और दूसरा नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज से। और वो नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज कौन सी होनी चाहिए जो कि आपके 51% ग्रुप का पार्ट हो। तो कौन सी कंपनी हम लेंगे और कौन सी कंपनी नहीं लेंगे, उसके लिए ये 51% ग्रुप बना हुआ है। मसलन किसी के पास अगर नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज नहीं है और शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट भी नहीं है, 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो उसका प्रॉफिट थ्रेशोल्ड 1.5 मिलियन पर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन किसी कंपनी के पास अगर फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड है तो 1.5 मिलियन हाफ हो जाएगा, या किसी के पास अगर टू कंपनीज हैं तो तब भी हाफ हो जाएगा, चार कंपनीज हैं तो डिवाइडेड बाय 4, और अगर
दो कंपनीज है तो डिवाइडेड बाय टू, और शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड भी है और दो कंपनीज भी हैं, तो फिर ये थ्रेशोल्ड 1.5 मिलियन, पहले टाइम अपोर्शन होगा शॉर्ट पीरियड से 6/12, और उसके बाद नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 3,75,000 का प्रॉफिट थ्रेशोल्ड बन जाएगा, और इसको फिर ऑगमेंटेड प्रॉफिट को फिर कंपेयर करेंगे 3,75,000 से। अभी हमें ऑगमेंटेड प्रॉफिट वगैरह की मैं डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, अभी हम सिर्फ ग्रुप ऑफ कंपनीज पे बात कर। अब ये ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, सही है? 51% ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है? मतलब देखें, एक कंपनी है ए, उसने दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर किए, सो बी बिकम्स अ सब्सिडरी कंपनी। टैक्स वाले उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिलेटेड कंपनी। तो रिलेटेड कंपनी होने के लिए आपका किसी कंपनी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 51% शेयर होना चाहिए, या 51% प्रॉफिट के अंदर हिस्सा होना चाहिए, या 51% नेट एसेट के अंदर हिस्सा होना चाहिए। तो अगर एक कंपनी मोर देन 50% शेयर एक्वायर करती है तो उसको हम रिलेटेड कंपनी के अंदर काउंट कर लेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मसलन एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। अब अल्टीमेटली इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एटी परसेंट शेयर है बी में, उसके पास 60% शेयर है सी के अंदर, तो बी जो है 51% ग्रुप में आएगी, बट सी जो है उसका अफेक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सी के अंदर जो अफेक्टिव इंटरेस्ट है वो है 80% किसका, 60 का, 60 का 80%, तो ये बनता है 48%। इसको कहते हैं अफेक्टिव इंटरेस्ट, क्योंकि अफेक्टिव इंटरेस्ट 50% से कम है, 51 से कम है, तो हम कहेंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी हमारी नहीं बनेगी टैक्स पर्पस के लिए। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक सब्सिडरी है, दो सब्सिडरी नहीं। लेकिन अगर मैं सिनारी को थोड़ा सा चेंज कर दूं और कहूं कि ए ने बी के 80% शेयर एक्वायर किए, और इन टर्न बी ने सी के 70% शेयर एक्वायर किए, अब देखें सिनेरियो क्या बनेगा। अब सिनेरियो ये बनेगा कि बी इज अ 51% कंपनी और सी इज ऑल्सो अ 51% ग्रुप कंपनी। क्यों? क्योंकि सी में हमारा अफेक्टिव परसेंटेज है 70 का 80%, और ये बनता है 56%। इज इट ग्रेटर देन 50%? इसे कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडरी, डायरेक्ट सब्सिडरी वर्सेस इनडायरेक्ट सब्सिडरी। तो डायरेक्ट सब्सिडरी में भी 51 होना चाहिए और इनडायरेक्ट सब्सिडरी के अंदर भी 51% हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, बाज दफा क्या होता है कि आप किसी ऐसी कंपनी को खरीद लेते हैं जो कि कहलाती है डोरमेंट कंपनी। तो अगर हमारे पास कोई डोरमेंट कंपनी हुई, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कंपनीज वो होती हैं जो ट्रेडिंग नहीं कर रही होती हैं, जो किसी और पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, उसे हम डोरमेंट कंपनीज कहते हैं, इनएक्टिव कंपनीज आप कह सकते हैं। ओवरसीज अगर कोई कंपनी होगी, कोई कंपनी ऐसी है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई लेकिन उसमें आपका 50% से ज्यादा शेयर्स हैं, उसको हम कंसिडर कर लेंगे।
इस बात का हमें ख्याल रखना है। अगर हमने सब्सिडरी एक्वायर की ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। वो अगले साल से काउंट होगी। इसका मतलब है जब भी नंबर ऑफ 51% कंपनीज काउंट करेंगे तो पिछले साल के एंड तक काउंट करेंगे, इस साल आने वाली कंपनीज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कंपनीज छोड़कर जा रही हैं, उनको हम कंसिडर कर लेंगे। लोगों से एग्जाम में ग्रुप स्ट्रक्चर देके वो ये पूछेगा कि ये बताएं कितनी नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज है। अच्छा, इसके अंदर देखें कि बार दफा ऐसा होता है कि दो कंपनीज जो है उनका आपस के अंदर तो 51% रिलेशनशिप हो रहा होता है, लेकिन उनका कोई पेरेंट नहीं होता। तो अगर कोई पेरेंट नहीं है तो पेरेंट के पास 51% शेयर्स नहीं है, तो फिर उनका ग्रुप उस पर्पस के लिए नहीं बनेगा, उसके लिए पेरेंट का होना जरूरी है। अब मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, ट्राई टू गेट माय पॉइंट। ए के पास एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी, एक कंपनी है डी, उसके पास है कंपनी ई, उसके पास है कंपनी एफ। A ने B में 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए एंड B इज अ डोरमेंट कंपनी। A ने C में 90% शेयर्स एक्वायर किए हुए और C ने F में 60% शेयर्स एक्वायर किए हुए। F जो है वो ओवरसीज है। A ने D में 80% शेयर्स एक्वायर किए हैं, D ने E में 60% शेयर्स एक्वायर किए। कैलकुलेट नंबर ऑफ 51% ग्रुप कंपनीज। या नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज कितनी होंगी, नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज, और आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ेगी क्यों। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कंपनीज में ग्रुप कंपनीज में आएगी, एक तो सी होगी क्योंकि सी के अंदर हमारे मोर देन 50% शेयर्स हैं। एफ होगी क्योंकि एफ के अंदर हमारे पास मोर देन 50% इनडायरेक्ट शेयर्स हैं। और डी होगी क्योंकि डी में मोर देन 50% शेयर्स हैं। और ई नहीं होगी क्योंकि ई के अंदर इनडायरेक्टली 48% शेयर है। हालांकि एफ ओवरसीज कंपनी है, लेकिन एफ को भी हम इसका पार्ट कंसिडर करेंगे। बी को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि बी डोरमेंट कंपनी, बी नहीं आएगी। ई को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि ई की अगर मैं इफेक्टिव परसेंटेज निकालूं तो वो बनती है 48%, तो उसको टैक्स वाले सब्सिडरी काउंट नहीं कर रहे। ये इस वजह से रिजेक्ट हो गया, ये इस वजह से रिजेक्ट हो गया, ये और ये दोनों रिजेक्ट हो। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि ऑगमेंटेड प्रॉफिट के लिए नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज कितनी है, तो उसमें हमेशा पेरेंट को भी काउंट किया जाएगा। कितनी कंपनीज हैं, 1, 2, 3, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज आर 4, पेरेंट प्लस सब्सिडरीज। पेरेंट को भी काउंट करते हैं टैक्स वाले।
ये हो गई हमारे पास चार कंपनीज, तो आपका जो थ्रेशोल्ड होगा उसको हम चार से डिवाइड कर देंगे। आपका थ्रेशोल्ड, प्रॉफिट थ्रेशोल्ड कम होके कितना हो गया, 3,75,000 के ऊपर आ गया, सही है। लेट्स ट्राई दिस। हेलो सर, जी भाई, डोरमेंट सर ये डोरमेंट क्या होता? बताया तो है, एक ऐसी कंपनी जो आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं बनाई, किसी और पर्पस के लिए क्रिएट की है। जैसे अच्छा जैसे फाइनेंस मूव करने के लिए करते हैं कुछ कंपनीज, कुछ मार्केटिंग पर्पस के लिए बना लेते हैं। ठीक, आपको सवाल में दिया हुआ होगा ये डोरमेंट कंपनी, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया गया, जाएगा एग्जाम में और आपसे पूछा जाएगा जस्टिफाई करें कौन सी कंपनीज जो हैं वो ग्रुप का पार्ट बनेंगी। दो चीजें बतानी है आपको, हाउ मेनी कंपनीज आर पार्ट ऑफ 51% ग्रुप, ये सवाल आपके सामने और आपको बताना है हाउ मेनी कंपनीज आर पार्ट ऑफ 51% ग्रुप। दिमाग चलाओ। कौन कौन सी होंगी? डेफोडिल, डेफोडिल होती लेकिन डेफोडिल डोरमेंट कंपनी है, हटा दे। रोज लिमिटेड, यस रोज लिमिटेड। बटरकप, यस बटरकप। डेजी लिमिटेड, डेजी होगी। टुलिप लिमिटेड, इस साल टुलिप लिमिटेड परचेज की गई 1 अगस्त 2018 को। अच्छा, मैंने 18 को, क्या ये आएगी टुलिप लिमिटेड? इस साल से हाँ जी, पहले, फिलहाल इस साल से पहले गारंटी खरीदी गई ना, तो टूलिप लिमिटेड भी आ जाएगी। तो थी। यस सर, फ्लावर को मिला करना, नंबर ऑफ सब्सिडरीज तो चार हैं लेकिन नंबर ऑफ रिलेटेड कंपनीज इंक्लूडिंग फ्लावर वो है पांच, क्योंकि जब आप ऑगमेंटेड प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड जज करते हैं तो आप पेरेंट को भी काउंट कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड क्या बन जाएगा, पांच से डिवाइड कर दें,
1.5 मिलियन को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? अब इससे कंपेयर करें, बस इतनी सी चीज है, ये 51% ग्रुप में सारे मसले हमने डिस्कस कर लिए, आसान है ये, इतना कोई मुश्किल काम नहीं। अब चलते नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, दैट इज 75% ग्रुप।